जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, जितने भी रियलमी 8 4G यूजर है उन सभी के लिए यहाँ पर रियलमी ओ 3.0 एंड्रॉइड 12 का अपडेट रिलीज़ करा है। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता चली होगी अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा है। कुछ देर पहले मैंने ये वीडियो रिलीज़ करा है, 2:30 बजे के आसपास मैंने इस वीडियो को रिलीज़ करा था और अभी मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 3:54 के ऊपर शूट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दूँ रियलमी 8 4G के लिए जो अपडेट रिलीज हुआ है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड यूजर्स के लिए रिलीज हुआ है और अब यहाँ पर रियलमी वालों ने यहाँ पर रियलमी यूजर्स का यहाँ पर उल्लू बनाना भी स्टार्ट कर दिया, यानी मूर्ख बनाना भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है रियलमी 8 यूजर्स का। अब मैं ये बात कैसे बोल सकता हूँ, यहाँ पर देखिए रियलमी 8 4G के लिए यहाँ पर अपडेट रिलीज करा इन्होंने रियलमी वाई 3.0 और एंड्रॉइड 12 का, और यहाँ पर जिन्होंने अपडेट रिलीज करा ना, अपडेट रिलीज करने के बाद यहाँ पर उस पोस्ट को डिलीट कर दिया इन लोगों ने। रियलमी के जो ऑफिशियल्स हैं ना, उन्होंने उस जानकारी दिया कि हमने यहाँ पर रियलमी 8 के लिए अपडेट रिलीज कर दिया है, उसके बाद उस पोस्ट को उन लोगों ने डिलीट कर दिया। उन्होंने जो पोस्ट शेयर किया था ना यहाँ पर, ये वाला पोस्ट यहाँ पर शेयर किया जो कि आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला पोस्ट है ना वो शेयर किया था उन लोगों ने, जिसमें रियलमी 8 के बारे में इन्होंने बेझिझक क्योंकि यहाँ पर बताया था कि जो अपडेट है वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी सारे यूजर्स भी यहाँ पर चेक कर रहे थे। फिर इसके बाद इन्होंने एक चीज़ उसके अंदर और भी लिखी हुई थी जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ, तो इसके लिए हमारा जो चैट सपोर्ट वाला जो ग्रुप है इसके अंदर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर जो रियलमी वाले हैं उन्होंने जो यहाँ पर रियलमी का जो कम्युनिटी ऐप है पड़ा उसके ऊपर उन लोगों ने यहाँ पर बताया कि रियलमी के जो 8 है उसके अंदर यहाँ पर अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है और आप लोग ये खुद यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर जो रियलमी 8 है उसके लिए अपडेट रिलीज हुआ। अगर आप लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा ध्यान रखते हो ना, तो एक चीज़ का एक और चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पर जब आप लोग रियलमी 8 यूज़ कर रहे हो ना, आपके डिवाइस का मॉडल नंबर RMX 3085। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होगी। अगर आप लोगों के पास अभी भी रियलमी का डिवाइस यूज कर रहे हो ना रियलमी 8, तो उसके अंदर अपडेट में देखोगे ना तो वहां पर आपका RMX 0 यहां पर ये लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, RMX 3085 ये चीज़ आपको लिखी हुई देखने को मिली, क्योंकि रियलमी 8 का यही बिल्ड नंबर है। अब इन्होंने ये जो अपडेट रोल आउट करा ना यहाँ पर अर्ली एक्सेस के जरिए, तो इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि जो ये रिक्वायर्ड वर्जन है जिनके डिवाइस में C.01 चल रहा है उनके लिए इस अपडेट को रिलीज़ करा है। पर अब कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि यहाँ पर C.01 तो किसी को दिया ही नहीं है, अभी जो लेटेस्ट अपडेट चल रहा है रियलमी 8 के लिए वो यहाँ पर सिर्फ A.22 वाला अपडेट चल रहा है, जो कि हमारे यहाँ पर सब्सक्राइबर ने भी शेयर किया, उनके पास यहाँ पर रियलमी 8 डिवाइस है। और अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो कि लास्ट अपडेट यहाँ पर 24 नवंबर के आसपास रिलीज हुआ था, और इसके अंदर यहाँ पर A.01 वाला अपडेट देखने A.22 वाला यहाँ पर अपडेट देखने को मिलता है, और ये जो बिल्ड नंबर आप लोग देखेंगे RMX 3085 11.C.A.22 वाला अपडेट देखने को मिलता है। तो अभी आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो यूजर्स के फोन के अंदर जो अपडेट चल रहा है वो A.22 वाला अपडेट चल रहा है। तो ये रियलमी वाले यहाँ पर लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे डिवाइस रियलमी 8 के अंदर जिसमें C.01 वाला अपडेट रिलीज करा है वही अपडेट यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि रियलमी वालों ने भी अब कौन सा नशा करना चालू कर दिया MIUI वालों की तरफ से, क्योंकि MIUI वालों के साथ भी ऐसा होता है। अब यहाँ पर रियलमी वाले भी ऐसा करने लगे हैं, उनकी डेवलपिंग टीम भी ऐसी गलतियाँ करने लगी है जिससे हमें उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, और यहाँ पर ऐसी गलतियाँ सही नहीं लगती कि अगर आप लोग ऐसी गलतियाँ करोगे तो यूजर्स के ऊपर यहाँ पर बुरा इफेक्ट जाएगा। अब यहाँ पर जो इन्होंने शेयर किया था उसके बारे में मैंने आपको मेरे वीडियो बना के बताया इस वाले वीडियो के अंदर, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। अब इस वीडियो को भी कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे कमेंट आने लगे, मैं आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ले चलता हूँ और कमेंट दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी आप लोग हमारे इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है और इसमें काफ़ी सारे यहाँ पर कमेंट्स आए हैं देखने को मिले हैं यहाँ पर इसके अंदर, जिसमें कुछ लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर यूट्यूब के अंदर भी यहाँ पर होता है जो कमेंट को बताता है ये सब झूठ है। यहाँ पर मैं भी मानता हूँ ये सब झूठ है, मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर झूठ तो नहीं बोला जो आपको ये वाली वीडियो शेयर करी है, उन्होंने जो कुछ शेयर किया वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसमें मेरी गलती नहीं है। यहाँ पर गलती किसकी है, रियलमी वालों की है कि रियलमी वालों ने यहाँ पर उस पोस्ट के अंदर क्यों लिखा कि यहाँ पर उनके डिवाइस के रियलमी 8 के लिए जो अपडेट है यहाँ पर रिलीज हुआ और सिर्फ वही अपडेट कर सकते जिनके डिवाइस में C.01 चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कमेंट अच्छे कर रहे थे यहाँ पर, बट जो कुछ लोग हैं जिनको यहाँ पर समझाना मुश्किल है लोगों का तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। यहां पर आप लोग खुद देख लीजिए, यहां पर अभी A.22 वाला चल रहा है और यहां पर ये भाई साहब भी हैं ऐसे कमेंट करने वाले, तो अब इनको मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ऐसे लोगों को समझाने में मैं टाइम बर्बाद नहीं करता होता। यहां पर बस आप लोगों के साथ न्यूज पहुंचानी थी। अब सबसे बड़ी गलती यहां पर रियलमी वालों ने क्या किया है, आपको जो मैंने वहां पर ये स्क्रीनशॉट दिखा दिया है ना आपको मैं दोबारा दिखाता हूं एक बार। तो जो ये वाला जो पोस्ट यहाँ पर जब अपलोड हुआ था रियलमी की कम्युनिटी एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने वहाँ से डिलीट कर दिया। अब कैसे मैं आपको बता दूँ, तो रियलमी कम्युनिटी एप्लीकेशन के अंदर हम लोग चलते हैं और रियलमी कम्युनिटी एप्लीकेशन में जाने के बाद जो इनकी जो यहाँ पर जो टीम है उससे मैं आपको यहाँ पर बात कराता हूँ। यहाँ के जो इनके जो
ये जो आयुषी में आपको देखने को मिलता है ये एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पर, और इन्होंने यहाँ पर अपडेट कवर में जानकारी दी थी कि यहाँ पर जो रियलमी 8 है उसके लिए यहाँ पर अपडेट को रोल आउट कर दिया गया। अब इन्होंने क्या करा है कि उस पोस्ट को यहाँ से डिलीट कर दिया। अभी आप लोग देखेंगे इनका जो लेटेस्ट पोस्ट है ना, बस यही वाला चल रहा है यहाँ पर, यानी कि जो उन्होंने रियलमी 8 वाला जो पोस्ट था वो उन्होंने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। साथ में हमने भी यहाँ पर पोस्ट करके आप लोगों के साथ ये बात को यहाँ पर बताया था, जो कि आप लोग हमारे रियलमी कम्युनिटी चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बात यहाँ पर खुद रियलमी वालों ने कन्फर्म करी थी कि यहाँ पर रियलमी 8 के अंदर अपडेट रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर जो है ना पोस्ट को डिलीट कर दिया है। फिलहाल आपने अभी तक जो हमारा रियलमी कम्युनिटी वाला है चैनल है उसको आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो ज्वाइन कर सकते हो रियलमी कम्युनिटी के ऊपर, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सबसे ज्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग यहां से ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसको आप लोग ज्वाइन कर लोगे ना तो आपको यहां पर इंस्टेंट न्यूज देखने को मिल जाएगी, और आपके जो भी कोई यहां पर सवाल वगैरह है वो सब यहीं पर पूछोगे तो आपको रिप्लाई भी देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आपकी मर्जी है, रियलमी कम्युनिटी में हमें ज्वाइन करना है तो करिए, नहीं करना है तो ना करिए, बट यहां पर टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपको यहां पर समझ में आ गया कि यहां पर रियलमी वाले कैसे यहां पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और सिर्फ अपडेट यहां पर रिलीज करके दोबारा रोल बैक कर दिया, यहां पर कुछ देर के लिए अपडेट दिया, उसके बाद अपडेट की जो सीट्स है वो सारी यहां पर खत्म कर दी, और उसके बाद यहां पर जो अब अपडेट देखने को मिलेगा वो 2-3 महीने बाद ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग वेट करो, अब 2 महीने कम से कम तभी जाके आपको यहां पर अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक रियलमी 8 प्रो के अंदर एयरलेक्सिस का अपडेट दिए हुए यहां पर 1 महीना होने वाला है, और 1 महीना होने के बाद जो अभी तक यहां पर इनका सेकंड बैच भी रिलीज नहीं हुआ है, तो आप लोग खुद समझ सकते हो रियलमी की क्या हालत है यहां पर और कैसे ये लोगों को यहां पर मूर्ख बना रहे हैं। तो अगर आप लोग के पास यहां पर रियलमी 8 डिवाइस है तो आप लोग वेट करो, अब जब भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी मैं टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के भी बता दूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर समझ में आ गया होगा, और जो यहाँ पर लेजेंडरी जो लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे थे यहाँ पर बिना सोचे समझे, तो जरा सोच समझ के और वीडियो को ध्यान से देखो। वीडियो के अंदर मैंने साफ साफ इस वाले वीडियो के अंदर बताया भी है कि यहाँ पर मैंने इस वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट भी दिया है कि जो कुछ उन्होंने लिखा वही चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर प्रूफ भी दिया है। अब ये वीडियो मुझे दोबारा बनाने लग रही है क्योंकि अभी लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को इस बार ध्यान से देखना, इस वाले को भी और ये वाली वीडियो भी, और जो अभी आप लोग ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को भी आप लोग ध्यान से देखिए, तभी आप लोग को यहाँ पर जाके समझ में आने वाला है कि क्या कुछ यहाँ पर कहानी है रियलमी वालों की तरफ से। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। सुनो जरा रियलमी वालों, तुमने यहाँ पर अपना सिर्फ नाम हाइप में लाने के लिए यहाँ पर रियलमी 8 के अंदर अपडेट रिलीज करा और फिर उसके बाद उस पोस्ट को भी डिलीट कर दिया और उस अपडेट को भी डिलीट कर दिया, रोल बैक भी कर दिया यहाँ पर, तो क्या फायदा है ऐसे अपडेट यहाँ पर देने के लिए? तुम लोग मुझे बस इतना ही समझा दो यहाँ पर, और बाकी जितने भी यूजर है उन सभी को भी ये बस समझा दो कि यहाँ पर अपडेट रोल आउट करके उस अपडेट को तुमने रोल बैक कर दिया, उस पोस्ट को भी तुम लोगों ने डिलीट कर दिया, ये रियलमी के ऑफिशियल्स लोगों ने यहाँ पर रियलमी कम्युनिटी के अंदर इन्फॉर्म किया कि हमने यहाँ पर अपडेट को रोल आउट कर दिया है, और जिनके डिवाइस में RMX 3085 11.C.01 चल रहा है उनके डिवाइस पे ये लोग अपडेट कर सकते हैं। तो कौन सा नशा करके तुम लोगों ने ये लाइन लिखी है कि यहाँ पर C.01 वालों को यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगा? अरे C.01 तुमने अपडेट को रिलीज करा नहीं, तुमने अपने होम टाउन चाइना के अंदर अपडेट को रिलीज कराया गया C.01 को, जो यहाँ पर तुम लोग कह रहे हो पहले C.01 रिलीज तो करो इंडिया के अंदर, वो आपने रिलीज करा नहीं, 8.22 वाला बिल्ड नंबर चल रहा है और लिख रहे हो यहाँ पर C.01 वालों को अपडेट मिलेगा और 8.22 वालों को अपडेट मिलेगा ही नहीं। और ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 यूजर्स को ये अपडेट देखने को मिला यहाँ पर RealVY 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का, वो सिर्फ 2-3 यूजर्स के लिए तुमने अपडेट रिलीज करे, और जो ये लाखों यूजर है तुम्हारे यहाँ पर Realme 8 के, उनका यहाँ पर क्या है, उनके लिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। पहले तुम लोग यहाँ पर अपडेट रिलीज करते नहीं, हाइप इतना तुम लोगों ने क्रिएट कर दिया, बस मार्केट में नाम बनाने खातिर तुम लोगों ने इस अपडेट को यहाँ पर अपलोड करा है, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ पर तुमने रियलमी जीटी मास्टर एडिशन के लिए दिसंबर में अपडेट रिलीज करा, कुछ यूजर्स को मिला, फिर उसके बाद यहाँ पर दोबारा इस महीने के अंदर यहाँ पर रियलमी 8 यूजर्स को अपडेट मिलने वाला था, और यहाँ पर रियलमी जीटी मास्टर एडिशन, रियलमी X50 प्रो, रियलमी 7 प्रो, ये 4 डिवाइस यहाँ पर लिस्टेड है जनवरी के महीने में अपडेट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 19 जनवरी हो चुकी है और अभी तक तुम लोगों ने यहाँ पर अपडेट को रोल आउट नहीं करा है। अब बताओ तुम्हारी मैं क्या यहाँ पर कहूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर MIUI वालों को नहीं रेलता हूँ, रेलूंगा तो तुम्हें भी यहाँ पर रियलमी वालों, क्योंकि तुम भी ऐसा ही काम करते हो जैसे यहाँ पर MIUI वाले काम करते हैं, जो ब्रांड भी ऐसा काम करेगा उसको छोड़ने तो वाले नहीं है हम लोग, और पहले बोल दे रहे हो यहाँ पर रियलमी वालों जल्द से जल्द यहाँ पर जो सेकंड थर्ड बैच है उनको भी रिलीज करो, ये कोई सेंस नहीं बनता कि यहाँ पर अर्ली एक्सेस के अंदर अपडेट रिलीज कर दो, थोड़े बहुत यूजर्स को दे दो, फिर उसके बाद अपडेट यहाँ पर 2-3 महीने बाद में देखने को मिले। यहाँ पर रियलमी 8 प्रो को अभी तक सेकंड बैच के अंदर नहीं मिला, ना ही यहाँ पर रियलमी GT वालों को मिला, ना ही यहाँ पर जो रियलमी GT मास्टर एडिशन है, चाहे यहाँ पर रियलमी का
X7 Max 5G है, उनको भी अभी तक अपडेट सही तरीके से देखने को नहीं मिला। और इन सारे यूजर्स को जो अपडेट है ना कंप्लीटली पब्लिक रोल आउट होने में 2-3 मंथ लग जाएंगे, कम से कम मार्च का महीना लगेगा अपडेट रोल आउट होने में सभी यूजर्स को। तो देख लो कितना वेट करना पड़ रहा है यहाँ पर सिर्फ मार्केट में अपना हाइप क्रिएट करने के लिए। रियलमी वाले ऐसा खेल खेलते हैं और यहाँ पर ये दिखाते हैं कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड करते हैं एंड्रॉइड्स के। और यहाँ पर आपको बता दूं जितने भी रियलमी 8 यूजर है उन सभी के लिए इस अपडेट को रोल आउट करके 2-4 यूजर्स को देके फिर उस पोस्ट को उन लोगों ने डिलीट कर दिया अपने यहाँ पर रियलमी कम्युनिटी के ऊपर से। और यहाँ पर उन लोगों ने बस कुछ भी रीजन नहीं बताया, बस उस पोस्ट को उन लोगों ने डिलीट कर दिया, अपडेट को भी डिलीट कर दिया, रोल बैक कर दिया। उन लोगों की गलती है, उन लोगों ने भी अपनी गलती मान के उस कारण उस पोस्ट को वहां से उन लोगों ने डिलीट करा था कि यहाँ पर ब्रांड है ना उसका यहाँ पर इमेज खराब रहा हो। पर हम लोग तो छोड़ने वाले नहीं, हम लोगों से बचना तो मुश्किल है यहाँ पर, समझ गए ना। अब जब तुमने गलती करी है ना जल्द से जल्द इस गलती को सुधार के और रियलमी 8 यूजर्स के लिए जल्द से जल्द यहाँ पर अपडेट को रिलीज कर दो ताकि बाकी जो यूजर्स रह रहे हैं और जिन लोगों को नहीं मिला उनको यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाए। और ध्यान रखना आगे से ऐसी गलती मत करना क्योंकि अभी यहाँ पर 10-11 दिन बढ़े हैं ये महीना खत्म होने में और यहाँ पर अभी तुम्हें 4-4 डिवाइसेज के अंदर अपडेट रिलीज करना है, रियलमी Y3.0 और एंड्रॉइड 12 वाला। तो अब आप लोग यहाँ पर खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर रियलमी वालों ने कैसी गलती कर दी है यहाँ पर अपडेट देके, अपडेट को रोल बैक करके। और जो चीज मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई थी वही सेम चीज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे बड़ी जो गलती है ना यहाँ पर रियलमी वालों की है, मेरी जो पिछली वीडियो अपलोड करी है रियलमी 8 की जिसके अंदर यहाँ पर मैंने बताया कि अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है उसमें कई कमेंट्स आए थे, इसके कारण मुझे यहाँ पर ये वीडियो दोबारा यहाँ पर शूट करनी पड़ रही है, दोबारा आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना क्योंकि जितना आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को शेयर करोगे रियलमी तक ये बात पहुंचेगी और जल्दी रियलमी इसके ऊपर काम भी करेगी क्योंकि रियलमी यहाँ पर फीडबैक जल्दी लेती है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ट्विटर के ऊपर शेयर करना है, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियलमी की अपडेट्स की वीडियो खातिर। और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतना ही था दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।